मॉर्निंग फ्रेंड्स। और नई दिल्ली से लखनऊ आने के बाद आज हम सबसे पहले चल रहे हैं लखनऊ के लोकल टूर पे, लोकल साइट सीइंग करेंगे। जो भी प्लेसेस हैं आपको दिखाई जाएगी। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजाजीपुरम लखनऊ के टैक्सी स्टैंड पे, और ये बस स्टैंड भी है, इसके साथ में टैक्सी स्टैंड। यहाँ से अगर आपको लखनऊ की कोई सिटी बस पकड़नी है, हज़रतगंज जाना है या चारबाग जाना है इधर राजाजीपुरम साइड से, तो आपको यहाँ से मिलेगी। वैसे और भी जगह से, चारबाग, अभिनवा, सब जगह से आप लखनऊ में लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ टैक्सी बस स्टैंड, और यहाँ से कितने बजे बस अवेलेबल। मेरे पीछे जहाँ पे बस देख रहे हैं ये है लखनऊ की सिटी बस, एसी वाली है। और ये है यहाँ का बस स्टैंड, यूपी रोडवेज लिखा है, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। इसमें यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बस है और फेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइमिंग वगैरह वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से सबसे पहले हज़रतगंज। हमने पता किया सामने जो वोल्वो एसी खड़ी है ये सिटी बस, ये अभी नहीं जा रही है क्योंकि अभी ये चार्जिंग मिले, इसके आगे जो खड़ी है नॉर्मल वाली हम उसमें जाएंगे, और अगर अभी अगर एसी आ जाती है तो उसमें चलते हैं। तो चलते हैं अब सबसे पहले हज़रतगंज। तो अभी हम लखनऊ के हज़रतगंज मार्केट पहुंच चुके हैं, और ये है मेरे पीछे हज़रतगंज का पूरा मार्केट एरिया। और अगर आप यहाँ पे चारबाग से आते हैं तो आप बाई मेट्रो भी आ सकते हैं। और हज़रतगंज में हम चल रहे हैं सबसे पहले ज़ू, और यहाँ हज़रतगंज में आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और खाने के लिए यहाँ पे है वर्ल्ड फेमस रॉयल कैफ़े, और वहाँ पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले ज़ू चलेंगे घूमने। और गाड़ी से आ रहे हैं तो मल्टी लेवल पार्किंग भी है, वो भी आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं मल्टी लेवल पार्किंग में। तो सामने से है रास्ता इस वाली ओर से, अटल चौक से अंदर सीधे सामने जाके हम चलेंगे। अब सबसे पहले ज़ू चल रहे हैं। तो अभी जो है हम लखनऊ के ज़ू लॉजिकल पार्क पहुंच गए हैं, और ये है सामने इसका टिकट काउंटर जहां पे आप इसकी ज़ू की टिकट लेके आप अंदर चलेंगे। तो अभी आपको अंदर काउंटर पे चल के टिकट का रेट वगैरह सब कुछ मैं दिखा देता हूँ। और ये है यहाँ का लखनऊ ज़ू का टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट के प्राइस देखें, आप देख सकते हैं एडल्ट का 80 रुपीज़, चिल्ड्रन अगर 5 साल से 12 साल का उसका 40, और वीडियो कैमरा प्रोफेशनल DSLR या GoPro वगैरह आपके आप वीडियो बनाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ देना होगा। और ऑनलाइन टिकट के लिए आप lakhnauzoo.com पे जाके जो है इसकी ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, और हम लेंगे इसकी ऑफलाइन टिकट। और एक बात और, अगर आप मोबाइल से अंदर वीडियो बनाना चाहते हैं उसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए चल के यहाँ सामने काउंटर से अब हम टिकट लेते हैं और टिकट लेके चलते हैं अंदर। और ये है हमारी टिकट 80 रुपीज़ 1 adult। और लखनऊ ज़ू के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ सामने आपको ज़ू की थीम मिल जाएगी। और अगर आप पानी की बोतल वगैरह अंदर कुछ ला रहे हैं तो वो यहाँ पे चेक कराएंगे, इसके लिए यहाँ पे इसे का रिफंडेबल कूपन दिया जाएगा 20 रुपये का, और जब वापस आएंगे तो ये कूपन दे के आप जो है भी पैसा जो है वापस ले सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे जिराफ, ज़ेब्रा और राइनो के। तो अभी हम चल रहे हैं सीधे सामने अंदर, और ज़ू में अंदर है चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन जहाँ पे आप टॉय ट्रेन का मज़ा ले सकते हैं। जहाँ का टिकट काउंटर है इसमें एडल्ट की टिकट है 25 रुपये और चिल्ड्रन की है 15 रुपये। और ही टॉय ट्रेन के साथ में यहाँ पे आपको बर्ड एवियरी मिल जाएगी, जिसमें आप अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इनकी एज वगैरह वो सब भी लिखी है। लखनऊ ज़ू के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ, जिसकी एंट्री टाइमिंग लिखी है और हॉलीडेज़ कब कब होता है वो यहाँ पर लिखा है। और इसका टिकट घर है यहाँ पर सामने की तरफ। चलिए हम यहाँ पे टिकट का पता कर लेते हैं। ये आ गया इसका टिकट घर, और टिकट घर के यहाँ पे आपको टिकट का प्राइस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, कैमरा फीस वगैरह अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिखे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, टिकट ले लेते हैं हम। और ये आ गई हमारी म्यूज़ियम की टिकट, 10 रुपये की है, और चलते हैं अंदर
म्यूज़ियम में। तो आ चुके हैं अभी हम अंदर स्टेट म्यूज़ियम, और स्टेट म्यूज़ियम में जैसे आप अंदर आएंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगी पार्श्वनाथ की। म्यूज़ियम के अंदर अब हम चल रहे हैं जैन आर्ट गैलरी, और यहाँ एक तरफ है जैन आर्ट गैलरी और यहाँ पर है इजिप्टियन गैलरी। तो अभी लखनऊ के ज़ू से निकल रहे हैं, 11 बजे में आया था, अब बज रहा है 2:30। तो पूरे ज़ू में मैंने कवर किया, पूरा ज़ू कवर कर लिया, लखनऊ स्टेट म्यूज़ियम भी जो ज़ू के अंदर ही है वो मैंने कवर कर लिया। तो अगर आप बता दूँ, अगर आप यहाँ पे लखनऊ ज़ू घूमने आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 घंटे होने चाहिए। मैंने कवर किया था ज़ू को करीब 2 घंटे में कवर किया था ज़ू को, और 2 घंटे लगे थे लखनऊ के म्यूज़ियम को देखने में। तो अगर आप गूगल वगैरह पे भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको दिखाता है कि लखनऊ म्यूज़ियम अलग है ज़ू अलग है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही जगह है। तो एक ही टिकट में आप घूम सकते हो ज़ू, और उसकी जो म्यूज़ियम की 10 रुपये टिकट है तो वीडियो मैंने बता दिया है। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं हज़रतगंज मार्केट, वहाँ कुछ खाऊँगा पीऊँगा, वहाँ दोपहर का खाना खाएंगे। देखो पीछे ट्रेन भी आ गई, तो दोपहर का कुछ वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टूरिस्ट लोकेशन पे। ज़ू से हम हज़रतगंज मार्केट की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें काफ़ी भूख लगी थी, और रास्ते में पड़ गया एक ये भोजनालय, अभी आपको बाहर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हमने खाना लिया देसी पूरा, 50 रुपये की थाली ली जिसमें मिली 4 रोटी और एक सीजन वेज में आलू लोबी की सब्ज़ी, दाल फ्राई, चावल, सलाद और अचार। और खाना जो है बिल्कुल घर के जैसा था, काफ़ी बढ़िया खाना था। तो खाना हमने खा लिया है और यहाँ से अब जा रहा हूँ सबसे पहले मैं इमामबाड़ा, और उसके बाद भूलिया जाएंगे, और टाइम बचा तो शाम को हज़रतगंज मार्केट आके रॉयल कैफ़े चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे चल के अब सीधे इमामबाड़ा पे। और ज़ू रोड पे ये है यहाँ पे पाल भोजनालय, और हमने जिसमें खाना खाया वो ये वाला भोजनालय था, नाम तो यहाँ नहीं लिखा लेकिन खाना खाना है तो पाल भोजनालय के साथ में है, आप यहाँ के दोपहर का खाना खा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे बड़ा इमामबाड़ा। तो अभी मैं आ पहुँचा हूँ लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, और हमारे पीछे वो जो आप देख रहे हो पीछे वाला गेट वो है रूमी दरवाज़ा, जो मैं यहाँ से निकलते वक्त एक छोटा इमामबाड़ा चलूँगा तब आपको दिखाऊँगा। और ये आप देख लो बड़ा इमामबाड़ा हमारे पीछे, इसकी टिकट हमें अंदर से लेनी है और फिर बाहर आके टिकट दिखा के फिर एंट्री करनी है। और यहाँ पे गेट पे मैं जब अंदर जा रहा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है बनाना, अंदर भी पता नहीं होगी कि नहीं, अंदर जाके पता चलेगा वो तो, क्योंकि ये बड़ा इमामबाड़ा टूरिस्ट प्लेस के साथ ये एक रिलीजियस वर्शिप है मुस्लिम्स का, इस वजह से यहाँ पे जो वीडियो बनाना मना है। बाकी बाहर से बड़ा इमामबाड़ा की मेन एंट्री में रोड के सामने इस सबसे खड़ा होकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये है सामने लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की मेन एंट्रेंस, और जो भूल भुलैया है लखनऊ की वो भी इसके बड़ा इमामबाड़ा की मेन एंट्रेंस के अंदर है, और बड़ा इमामबाड़ा अंदर है, ये है इसकी मेन एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर टिकट लेके फिर मैं आपको अंदर से बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया दिखा देता हूँ, अगर वीडियो बनाने की परमिशन देंगे तो। ये देखिए ये है बड़ा इमामबाड़ा, इसे एंट्री गेट पे लिखा है फर्स्ट गेटवे ऑफ नवाब आसिफुद्दौला बड़ा इमामबाड़ा। तो चलिए सामने टिकट काउंटर और सामने टिकट लेके अंदर चलते हैं। अब ये है इमामबाड़े का मेन एरिया, बड़ा इमामबाड़ा है इसके अंदर, और हम अंदर जो है वीडियो नहीं बना सकते। पहले के टाइम में क्या था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लॉगर्स वीडियो बनाते थे, वो आपने देखा होगा, बट अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि अगर आपने यहाँ पे वीडियो या टिकटॉक बनाया या यूट्यूब की वीडियो बनाई कुछ भी किया तो, या फ़ोटो भी खींची, तो आपका मोबाइल और कैमरा जो भी DSLR GoPro जो भी आपके पास है वो सब आपका जब्त कर लिया जाएगा और आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। तो बाहर से देख लीजिए और अंदर से देखना तो आप और वीडियोज़ भी यूट्यूब पर देख सकते। अब हम जाएंगे अंदर, टिकट लेंगे और अंदर थोड़ा बहुत घूमेंगे और बाहर आ जाएंगे वापस। तो बड़ा इमामबाड़ा से मैं आ चुका हूँ, और मेरे पीछे देख रहे हो आप ये है रूमी दरवाज़ा, काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इसका, काफ़ी बड़ा है। और बैक साइड में है हमारे, इधर बैक साइड में ये पूरा क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर से पीछे छोटा इमामबाड़ा। तो अभी चल रहा हूँ मैं सीधे क्लॉक टावर और छोटा इमामबाड़ा पे, और बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ ये रूमी दरवाज़ा। आप जब गूगल करेंगे उसमें लखनऊ लोकल टूरिस्ट प्लेस डालेंगे तो आपको रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर सब अलग डिस्टेंस पर दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है,
आप बड़े मामा जाने लगेंगे तो आपको सबसे पहले पड़ेगा ये रूमी दरवाज़ा। यहाँ रूमी दरवाज़े पे उतर के आप जो है बड़ा इमामबाड़ा 2 मिनट में पैदल पहुँच सकते हैं। और यहाँ से ठीक सामने है ये वाला क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के वहीं सामने है छोटा इमामबाड़ा। तो अब चल रहे हैं हम क्लॉक टावर और छोटा इमामबाड़ा पे। तो अभी हम क्लॉक टावर आ गए, सामने है बड़ा इमामबाड़ा और क्लॉक टावर के इधर है छोटा इमामबाड़ा। अब क्लॉक टावर अगर आप आते हैं तो क्लॉक टावर से बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा का डिस्टेंस सेम है। अगर आप पैदल नहीं आ पाते हैं, थक गए हैं, तो आप बड़ा इमामबाड़ा से रिक्शा लीजिए, सबसे सस्ता। चाहे क्लॉक टावर उतरिए या चाहे ये आपका छोटा इमामबाड़ा, लेता है सिर्फ 5 रुपये। यानी अगर आप प्राइवेट रिक्शा बुक करोगे तो वो आपको ज़्यादा 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये लेते हैं। लेकिन आप या तो पैदल आ जाओ टहलते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो फिर आप रिक्शा कर लीजिए, 5 रुपये लेगा। तो अभी चलते हैं हम सामने क्लॉक टावर, और यहीं पर है सामने क्लॉक टावर के पीछे पिक्चर गैलरी। और अगर आपको यहाँ पे शाही तालाब देखना है तो शाही तालाब के लिए आप जो है क्लॉक टावर से बैक साइड जा सकते हैं, आप शाही तालाब भी देख सकते हैं। तो क्लॉक टावर आ चुके हैं हम, ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है। और ये क्लॉक टावर जो है भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है। इसकी ऊंचाई जो है ये है 282 फीट, 282 फीट ऊंचा ये क्लॉक टावर भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा क्लॉक टावर है। हाँ, ये आप यहाँ पे आके आराम से नहीं रील्स वगैरह, टिकटॉक वगैरह बना सकते हैं और फ़ोटो वगैरह आप ले सकते हैं। और यहीं पर है बैक साइड में शाही तालाब, ढूंढते हैं। ऐसे तो यहाँ पे कहीं बोर्ड लगा नहीं है शाही तालाब का, ढूंढते हैं यहाँ पे शाही तालाब कहाँ बना हुआ है। और क्लॉक टावर के पीछे ये है शाही तालाब, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका नाम जो है शाही तालाब है। फील आ रही है, बट हवा काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पानी वगैरह भरा है। और ये है सामने पिक्चर आर्ट गैलरी। अब देख चल के पता करते हैं इसकी क्या टिकट है और देखते हैं किस टाइप की है पिक्चर गैलरी। अभी हम वहाँ टिकट काउंटर पर चल के पता चलेगा। और अभी हम खड़े हैं पिक्चर आर्ट गैलरी के बाहर, और ये है इसकी एंट्रेंस। आइए चलिए देखते हैं कि पिक्चर गैलरी में यहाँ की टिकट प्राइस क्या है और यहाँ पे किस टाइप की गैलरी में किस तरह के आर्ट पिक्चर्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो अभी हम पिक्चर आर्ट गैलरी के अंदर आ चुके हैं, और अगर आप बड़ा इमामबाड़ा गए थे और वहाँ पे आपने कॉम्बो टिकट लिया था तो वो कॉम्बो टिकट आप लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और पिक्चर्स वगैरह खींचना, वीडियो बनाने अंदर अलाउ नहीं है। लखनऊ पिक्चर आर्ट गैलरी से बाहर हम आ चुके हैं, तो अभी हम चल रहे हैं अब सामने छोटा इमामबाड़ा। तो अभी मैं छोटा इमामबाड़ा आ चुका हूँ, बाहर से आप देख सकते हो छोटा इमामबाड़ा की कंस्ट्रक्शन, और ज़्यादा बड़ा नहीं है ये बड़ा इमामबाड़ा के मुकाबले। तो चलिए इसमें अंदर चलते हैं और अंदर चल के छोटा इमामबाड़ा देखते हैं। तो छोटा इमामबाड़ा का जो एंट्री गेट था इसमें आ चुके हैं, और यहाँ पे आप अंदर देखो तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल हैं और क्लिनिक्स वगैरह है, और शॉपिंग का ज़्यादा वैसे खास नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे खाने का आपको ज़्यादा मिल जाएगा। कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं, वेज खाना चाहते हैं या नॉन वेज, जो आपको सही लगे, जो आपकी प्रेफरेंस डाइट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे खा पी सकते हैं। और सूरज के ढलने का टाइम हो रहा है, अब देखते हैं इसके बाद कहाँ चल पाते हैं। इसके बाद हमारी सिर्फ एक लोकेशन बची है जो है लखनऊ की रेसिडेंसी। तो अभी सामने इसमें ये वाली बिल्डिंग देखो आप, इसके अंदर चलेंगे, देखते हैं इसमें अंदर कितना टाइम लगता है। टाइम बचा अगर रेसिडेंसी ओपन हुई तो कवर कर लेंगे, नहीं तो उसे हम रेसिडेंसी को कल नेक्स्ट डे देख लेंगे। तो चलिए अंदर इसमें चलते हैं छोटा इमामबाड़ा में। छोटा इमामबाड़ा के अंदर हम आ गए हैं, और यहाँ पे इसके बारे में इसकी हिस्ट्री लिखी थी, बट बोर्ड ये ख़राब हो चुका है आप, लेकिन चाहे तो गूगल पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, या यहाँ पे अगर वो वाला ख़राब हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप जो है इसके बारे में इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं।
और आगे चलते हैं और यहाँ पर है शाही हमाम इस तरफ, और मेन जो छोटा इमामबाड़ा है वो जो आप सामने देख रहे होंगे ये वाला है। छोटा इमामबाड़ा में यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। पूरा वाइट कलर का है छोटा इमामबाड़ा की कंस्ट्रक्शन, पूरे वाइट मार्बल को लेके बनाई गई है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है छोटा इमामबाड़ा। यहाँ पे काफ़ी शांति है, लोग भी कम हैं और मौसम भी अब थोड़ा ठीक हो गया, धूप भी अब जा ही रही है। तो चलिए अंदर जल्दी से देख लेते हैं चल के छोटा इमामबाड़ा, और जूते चप्पल आपको पहन के नहीं जाने, यहाँ पे आपको उतारने पड़ेंगे। तो ऊपर मेन इसके कंपाउंड में हम आ गए हैं अंदर। फ़ोन लेके जाना, वीडियो फ़ोटो खींचने अलाउ नहीं है, तो अंदर जल्दी से हो आते हैं और फिर बाहर आके आपको अंदर के बारे में बता। छोटा इमामबाड़ा अंदर से देख लिया, ज़्यादा कुछ खास वैसे लगा नहीं मुझे, लेकिन हाँ बड़ा इमामबाड़ा देखा है, और जैसे बड़ा इमामबाड़ा था उसी की तर्ज पे छोटा इमामबाड़ा बनाया गया है। गाइड लेना चाहे तो यहाँ भी गाइड है, आप ले सकते हैं, उसका चार्ज लगेगा। बट अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो ताजिया वगैरह निकलता है उसमें जो पालकी वगैरह होती है वो यहाँ आती है और यहीं से वापस चली जाती है, लेकिन उसमें जो पालकी होती है वो किस तरीके की होती है वो यहाँ पे अंदर उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, और जो मुहर्रम पे जो पालकी वगैरह निकलती है वो बनती यहीं पर है, कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बताया। पे छोटा इमामबाड़ा देख लिया, अब और तो कुछ इस एरिया में बचा नहीं है देखने के लिए, और बचा अपना रेसिडेंसी, चल के देखते हैं, अगर खुला होगा तो देख लेंगे वो भी रेसिडेंसी, नहीं तो चलेंगे अब सीधे हज़रतगंज रॉयल कैफ़े और राम आश्रय। अभी आप जो एरिया देख रहे हो ये है लखनऊ का चौक एरिया। हज़रतगंज से जब आप बड़ा इमामबाड़ा के लिए आएंगे तो ऑटो आपको विक्रम वाला यहीं उतारेगा, यहाँ से फिर आपको ई रिक्शा करना पड़ता है। तो चौक वाले एरिया में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे लखनऊ का फेमस चिकन जो होता है उसके कपड़े जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, भरपूर मात्रा में यहाँ पे चिकन की शॉप जो हैं, चिकन के कपड़े की शॉप्स यहाँ पर हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, अमीनाबाद से भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिकन की शॉप्स जो हैं चिकन के कपड़े की वो आपको यहाँ चौक एरिया में मिल जाएगी। और अगर कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं शाम का तो उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे भोजनालय और रेस्टोरेंट वगैरह वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। लो जी आ गए हम फाइनल रॉयल कैफ़े, और इसका जो फूड ब्लॉग है रॉयल कैफ़े का ये आपको देखने को पड़ेगा अलग से, क्योंकि इसका ब्लॉग हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो लखनऊ लोकल टूर की आज डे वन की यहीं पे रॉयल कैफ के साथ ख़त्म होती है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अगर कहीं लोकल आता हूँ तो, नहीं तो बहुत जल्द एक नए टूर ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।